सो so, कल मैं एक लाइव स्ट्रीम पे गया था जो कि एडी भाई ने ऑर्गेनाइज कराई थी जहाँ पे हमने डिस्कस किया था बिटकॉइन का ईटीएफ एंड जो भी प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल एक्सचेंज यूजर्स को इंडिया में करंटली हो रही है डिस्कशन में हमारे साथ थे ऊनो कॉइन एंड कॉइन डीसी के फाउंडर्स तो एक्सचेंज के लोग भी यहाँ पे थे एंड हमें जो है एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट देखने को मिला दैट इंडियन यूजर्स मैक्सिमम किस चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो चीज सस्ती होती है तो सस्ते कॉइन गेट्स मोर इन्वेस्टमेंट देन एनी कॉइन लाइक बिट क्वाइन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू थिंक अबाउट इट क्योंकि अगर आप किसी को सौ रुपए का एक कॉइन वर्सेज एक रुपए का एक कॉइन दोगे तो ही ग्रेविटेट्स टूवर्ड वन रुपी वो एक रुपए का कॉइन लेने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा एंड इसके पीछे जो लॉजिक दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि एक रुपए का कॉइन अगर सौ रुपए में पहुंचता है तो मैं हंड्रेड एक्स रिटर्न बना दूंगा बट वन थिंग पीपल फोगेट इन दिस एंड दैट इज़ द मार्केट कैप डिबेट तो आज की वीडियो में मैं आपको पांच सस्ते कॉइन दूंगा जो कि वन डॉलर के नीचे हैं, बट उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डज मार्केट कैप वर्क क्योंकि आपको सस्ते कॉइन नहीं आपको सस्ती मार्केट कैप के कॉइन ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं सो हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब इफ योर न्यू ईयर एंड अगर आपको मार्केट कैप के बारे में नहीं पता तो डू नॉट फोरगेट टू वॉच द कंप्लीट वीडियो क्योंकि बुल मार्केट में असली पैसे आप इसी से कमा सकते तो सबसे पहले हम एज यूजल देखेंगे कि बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है तो बिटकॉइन जो है इसी रेंज में मूव कर रहा है कल मैंने आपको बताया था बॉटम ऑफ द रेंज के पास जाओ तो एक लॉन्ग बिल्ड करो ऊपर जाओ तो शॉर्ट बिल्ड करो या फिर लॉन्ग के प्रॉफिट बुक करो तो ये रेंज ही अभी हम मूव कर रहे हैं एंड दिस इज बिकॉज एसपीएक्स जो है पुल बैक ले रहा है यहाँ पे एंड एसपीएक्स से अभी लग रहा है कि डबल टॉप शायद फॉर्म हो जाए होपफुली ना हो यहां से ब्रेकआउट करके चला जाए एंड मैं गलत हो जाऊं लेकिन आज भी जो है इंडस फ्यूचर्स यहाँ पे नेगेटिव ही लग रहे हैं इसका मतलब क्या है एसपीएक्स यहाँ से नीचे जाएगा तो करेंटली क्या स्ट्रेटेजी

तो करेंटली जार्गन इनू का मार्केट कैप क्या होगा इट विल बी वन जो कि प्राइस है इसका मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग इज सर्कुलटिंग डॉलर इसका टोटल मार्केट कैप हो जाएगा अब अगर मुझे जार्गन इनू का प्राइस डबल करना है लेट से मुझे इसको दो डॉलर करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा कि हजार डॉलर मेरे कॉइन में इन्वेस्ट हो तो अगर आप सब मिलकर एक एक डॉलर इन्वेस्ट करते हो तो टोटल मार्केट कैप हो जाएगी दो हजार डॉलर एंड प्राइस विल बी टू डॉलर अब मान लो मुझे इसको फिर चार डॉलर करना है तो चार डॉलर करने के लिए फिर हमें इसको डबल करना पड़ेगा मार्केट के आपको तो हमें चार हजार डॉलर करना पड़ेगा अब हजार से चार हजार डॉलर जाना तो बहुत इजी है लेकिन जब हम मार्केट कैप देखते हैं सस्ते क्विंस की तो जरूरी नहीं होता है कि मार्केट कैप जो है कम हो फॉर एग्जाम्पल डोज कॉइन है अब कॉइन कॉइन का प्राइस है है डॉलर लेकिन की मार्केट कैप इलेवन बिलियन डॉलर लेकिन अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे मेकर डाउ को तो मेकर डाउ का प्राइस है टू थाउजेंड डॉलर एंड मेकर डाउ का मार्केट कैप इज रफली वन पॉइंट एट बिलियन डॉलर राइट नाउ तो डोज कॉइन के प्राइस को डबल करने के लिए आपको डालने पड़ेंगे इसमें इलेवन बिलियन मोर डॉलर बट अगर आप मेकर डाउ को डबल करना चाहते हो तो आपको डालने पड़ेंगे केवल 1.8 बिलियन डॉलर्स तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा किसके पास हुआ मेकर डाउ के पास हुआ तो आंसर इज इवन दो का एक टोकन हजार डॉलर का है तो दिस इज हाउ मार्केट कैप इफेक्ट द प्राइस ऑफ अ कॉइन तो आपको सस्ते प्राइस वाले क्वाइंस नहीं देखने आपको ऐसे कॉइन्स देखने जिनका मार्केट कैप कम हो लेकिन उनका पोटेंशियल ज्यादा हो एंड इसी लॉजिक को यूज करके मैंने आज की लिस्ट भी प्रिपेयर करी है सबसे पहला है फेट ए फेट ए आई इज जीरो पॉइंट सिक्स सेवन सेवन जीरो डॉलर विच इज एक डॉलर से कम है फेट इज अवेलेबल ऑन दीज एक्सचेंजेस एंड अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप जो है अभी वन बिलियन डॉलर भी नहीं पहुँचा है तो ये आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अर्ली एक्सेस करने की एंड प्राइस वाइज भी ये सस्ता है ऑल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नेक्स्ट इज से एंड से को माना जाता है सुई का भाई एंड से का मार्केट कैप है 1.9 बिलियन डॉलर्स जो कि अभी ही राइज हुआ है अभी रिसेंटली ही हमने देखा से को इतना ऊपर जाते हुए से का प्राइस 0.34 हुआ करता था 19 दिसंबर को एंड अभी जो है हम 0.79 पे देख रहे हैं तो एक अच्छी एंट्री अगर हमें से पे मिलती है जो की इन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है तो यहाँ पे ली जा सकती है इसमें से केवल एक एक्सचेंज है बाइबेट जो की इंडिया में अभी भी चल रहा है तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा अगर आप साइन अप करना चाहें नेक्स्ट कॉइन इज जो जो इज ट्रेडर जो का काइन एंड

पे मेरी बहुत अच्छी पोजिशन है वाइंग पॉइंट हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं तो यहाँ पे जब भी आएगा आई विल पिक अप सम पिकअप एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू हैव अ वेरी गुड रन एंड द फाइनल कॉइन इज विच इज मिथ और माइथोस मिथोस सबसे ज्यादा रिस्की है इनमें से एंड इट इज अवेलेबल ऑन एम ई एक्सी एक्सचेंज थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है बट यहाँ पे काफ़ी स्पाइक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे तो इनमें से ही एक स्पाइक के बाद जैसे ही हम ये वाला एरिया ब्रेक करते हैं आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू एटलीस्ट वन डॉलर इन द लॉन्ग टर्म तो ये बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप का कॉइन है क्योंकि यहाँ से भी इट इज गिविंग अस थ्री फोर एक्स का पोटेंशियल तो ये थे पाँच सस्ते क्वाइन लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मार्केट कैप का ज्ञान क्योंकि अगर आप ऐसे क्वाइंस ढूंढ रहे हो जो कि आपको दस रुपए डालने पर सौ रुपये का रिटर्न दें तो ये आपको सस्ते क्वाइन से नहीं मिलेगा